सबसे पहले तो मैम थोड़ा सा क्लोज आप यहाँ प्रेजेंट है, और हमने देखा कि कुछ एक्सरसाइज भी की, और हमें पता है कि बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर में से आपका नाम आता है, और आप है भी, तो थोड़ा आप बताना चाहिए कि कौन कौन से एक्सरसाइज की आपने आज यहाँ। अभी तो मैंने पहली बार इसको महसूस किया ये वाले को, सो आई ट्राइड दिस थिंग ऑन द रिफॉर्म ऑफ, ओह माय गॉड इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो मुझे लगता है अगर आपने कोई चीज़ पहले ट्राई ना की हो तो शुरू में मुश्किल लगती है, आप लगे रहें तो आसान हो जाती है, फिर आप सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। सुनीता जी आप बताइए कि जरा कि यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर आना चाहें तो किस तरह का फिटनेस यहाँ पर Pilates ke alawa there is more cycling is there. There is a brand called Lessness which I have bought. This is a Middle East brand which is from New Zealand and which works on the music. वो music के ऊपर exercise हमको करनी होती है, वो weight training के लिए है. Works on the low weights and high repetitions. Or you can go, and that's the reason we have put RGB lights here. Yeah, and. No. डे पे जिम में नीचे लो, इनका जो एडवाइस है अच्छा है, रात में नाइट क्लब। सो वी हैव किकबॉक्सिंग, वी हैव स्टेप मिक्स मार्शल आर्ट्स आल्सो, वी हैव स्टेप किकबॉक्सिंग व्हिच आई ट्राइड व्हिच इज अमेजिंग, वर्क्स ऑन योर कोर एंड रेस्ट तो इनको सब पता है। सो इनकी जो बहन है कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एंड जब मैंने मॉडलिंग शुरू की थी तब से वन ऑफ द फिटेस्ट गर्ल है, और इतने साल हो गए हम लोगों के साथ काम करते हुए, दोस्त रहते हुए, शी स्टिल फिट। सो जब भी मैं उनसे बात करता था, इनका जिक्र करती थी, आई नेवर मेट हर, दिस इज द फर्स्ट डे। सो शी इज ऑसम एंड आई लाइक द वे शी थिंक्स अबाउट फिटनेस। एक फिटनेस सेंटर खोलना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट जिस तरह से अगर आपने खुद रिसर्च की है, काम किया है, if you know the stuff and you open something it really works, so I wish you all the luck in the world. बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि आप सबसे फिटेस्ट हैं और बहुत सालों से आप फिटनेस पे ध्यान भी देते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा समय था जब आपने फिटनेस को सीरियसली लिया, और किसने आपको इंस्पायर किया फिटनेस के लिए? यार फिटनेस को सीरियसली लिया का मतलब वैसा ही हुआ कि आज मैंने ध्यान लेके सांस ली, सांस चलती रहती है, फिटनेस हमेशा रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फिटनेस करें, आप चेंज करते रहें। अगर आपको वेट बढ़ाने का शौक है, थोड़े टाइम बाद कुछ और करने सोचिए, जिमनास्टिक करिए। सो ट्राई एवरी थिंग आउट, बट ट्राई इट विद पीपल हु नो इट, बिकॉज आपको एक गाइडेंस की जरूरत 100%। सो फाइंड पीपल हु कैन डू इट। बॉलीवुड में ऐसा कौन सा एक्टर है जो आप मानते हो कि सबसे फिटेस्ट है अभी? मैं ऑफकोर्स आपके अलावा, आपके अलावा सब फिट हैं यार, अपने अपने लेवल में हर आदमी बहुत फिट है, और फिटनेस का कोई, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक तो नहीं, बट हर आदमी फिट जी। एंड इसके अलावा आपकी कमोडिटी भी आ रही है, हमें पता है कि वहाँ पे भी ढेरों सारे एक्शन देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या स्टेटस है कब तक की? 6 सितंबर को रिलीज हो रही है, हम लोग आज मैं गाने की रिहर्सल से आ रहा हूँ, आखिरी गाना रह गया, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, डायरेक्टर बहुत मज़ा है। तो इस फिल्म में एक्शन का लेवल कहाँ तक हमें देखने को मिले, कहाँ तक आपने अब तक देखा है? कमांडो तो उससे थोड़ा और आगे जाए। विद्युत, वुड यू लाइक टू डू अ खतरों के खिलाड़ी, होस्टिंग आप करना पसंद करेंगे इस तरह का शो आप कभी? क्योंकि यू नो ना एज अ एक्शन करते हैं आप, बहुत सारे एक्शन करते हैं, वुड यू लाइक टू डू होस्टिंग विद रोहित शेट्टी आने वाले दिनों में, क्या अगर आपको मौका मिलता है कलर्स की तरफ से? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, सो यू टॉकिंग टू द मोस्ट टैलेंटेड पीपल एंड यू टॉकिंग वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज, व्हाई नॉट, एनीथिंग टू डू विद फिटनेस वी डू इट। यस यस। ओके, एक आखिरी सवाल है, रिसेंटली वी सीन द लॉट ऑफ वाटर लॉग इन मुंबई, मुंबई में काफ़ी बारिश की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुआ, रिसेंटली 54,000 मैंग्रोव्स काटे जाने वाले हैं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट इन दिस इशू सर? आपको लगता है मैंग्रोव्स काटना चाहिए, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है? व्हाट, जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब सीधा ये है, ये करना गलत है। आप पूछ रहे हैं आपको लगता है कि नहीं लगता है, डूड जिसको ये नहीं लगता उसका दिमाग चेक करवा लीजिए, इट्स इनकरेक्ट। द वाटर लॉगिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, एवरीबडी नोज दिस, समबडी विल डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, गुड लक, यस सर, थैंक यू सर।